महाराज के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सदा सुखी रहो। जी महाराज, कहिए आपने मुझे दरबारों में किस लिए बुलवाया है? आपको दरबार में इसलिए बुलाया गया है पिंगला, यह विक्रम आपके बारे में मुझे कुछ बातें बता रहा है। क्या? और ऐसी बातें बता रहा है कि उन बातों को सुनते ही मेरे पैरों को नीचे से जमीन खिसक गई। पिंगला, मैंने कभी ऐसा भी नहीं सोचा था कि आप ऐसी हो सकती हो। मैं? हाँ। ऐसा क्या कहा है इसने? विक्रम कह रहा है कि आपके महल में किसी गैर मर्द के साथ आपको चौपरसाड़ खेलते हुए। नहीं पिया जी नहीं। ये मोरनी वाले आंसू मत दिखा और सच सच बता दे क्या हुआ था महल में। देखिए अपने भाई को। विक्रम थोड़ा धैर्य रख। पिंगला आप साफ बताइए कि क्या मामला है। ये बताइए कि आपके महल में कोई गैर मर्द था? नहीं। ये भगवान, आप किसके साथ चौपरसाड़ खेल रही थी ये बताइए। किसी के भी साथ नहीं। विक्रम, क्या आपके पास कोई गवाह है? मेरे पास? हाँ। हे भाई भरतरी, मेरे पास गवाह तो कोई नहीं है, लेकिन मैं जब से मैंने अपने इस जीवन को संभाला है, जब से इस धरती पर मैं आया हूँ, हाँ, तब से और अब तक मैंने आपको अपना परमात्मा माना है, आपको अपना ईश्वर समझकर आपकी पूजा की है, और मैंने अपनी याद में कभी झूठ नहीं बोला। मैं सच बोल के कह रहा हूँ, और अपने इस भगवान स्वरूप अपने भाई के सर पर हाथ रख के कसम खा रहा हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। ये पिंगला बद चलन है, मैं कह रहा हूँ। पिंगला, ये सच्चाई नहीं है। और क्या सच्चाई है? सच्चाई तो ये है। ये माइक भी ये कह रहा है कि मत बोल पिंगला। ये तेरे ही कारनामे है, तेने माइक की लीड हिला दी। पिंगला चल वाले ने हिला दी। विक्रम कभी भी मेरी कसम झूठी नहीं खा सकता है। पिया जी, मैं एक पतिवर्ता स्त्री हूँ। अच्छा। और पतिवर्ता वो कहलाती जो पति की आज्ञाकारी हो। हाँ। पति ही ईश्वर, पति ही पूजा, नहीं पति ते न्यारी हो। न्यारी हो। दिन में एक भी पल ऐसा नहीं होता जिसमें आपका नाम नहीं आता। अच्छा। मैं तो आपकी पुजारन हूँ। अच्छा। आपको देवता मानकर पूजा करती हूँ, फिर मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? पिया जी, मैं भी आपकी कसम खा के कहती हूँ कि मैं जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ। भगवान, अब तो मरेगा दादा, अब तो मरेगा भाई मरेगा। अब थम कर दो फैसला। विक्रम भी मेरी कसम खा रहा है और पिंगला भी मेरी कसम खा रही है। पिंगला, तेरे पास कोई गवाह कोई सबूत है? सबूत तो है मेरे पास, लेकिन पहले अब मेरी बात सुनिए। बता। इसका जो इल्जाम लगाना था इसने मेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगा दिए। हाँ। लेकिन सच्चाई तो ये है पिया जी। क्या? आज से पहले मैंने आपको नहीं बताया। हाँ। मैं ये समझती थी कि आपके माता पिता इस दुनिया में नहीं है। हाँ। तो ये अपने आप को अकेला महसूस ना करे। हाँ। हमेशा इसको माँ का प्यार दिया है। हाँ। और आपने पिता का प्यार दिया है। दिया है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि जिस सरप को मैं दूध पिला रही हूँ वो सरप मुझे ही डर को मारेगा। सच्चाई तो ये है पिया जी। हाँ। कि ये जो आपका छोटा भाई विक्रमा है। हाँ। ये मुझे माँ की नजर से नहीं, और ये मुझे भाभी की नजर से नहीं, और पिया जी ये तो मुझे अपनी बहू बनाना चाहता है। विक्रम। हाँ। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? हे भाई, तुम इस नागन के चक्कर में क्यों आ रहे हो? इसके देखने के दांत तो अलग हैं, काटने के अलग हैं। इसकी नजर को पहचानिए, ये सरासर झूठ बोल रही है। मैं आपका भाई हूं, जिस कोख से आपने जन्म लिया है उसी कोख से मैंने जन्म लिया है। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा भाई, मैं सच कह रहा हूँ। मैं भी एक पतिवर्ता औरत हूँ, मैं भी आपसे झूठ नहीं बोलूंगी। ये आपको अपनी पत्नी बनाना चाहता है? ये मुझे गंदी नजर से देखता है। आपके पास क्या सबूत है पिंगला? मेरे पास सबूत है। हाँ। आप नगर सेठ को बुलाइए, नगर सेठ आपको बता देगा कि ये इसका चरित्र कैसा है, इसकी नीत कैसी है। नगर सेठ को भी मैंने दरबार में बुलाया है। डायन, सबूत भी बना लिए, इकट्ठे कर लिए। मेरे प्रेमी श्रोताओं, वो पिंगला नगर सेठ को जाकर के लालच दे देती है कि नगर सेठ, राजा भरतरी के दरबार में तुझे आना है और विक्रम के खिलाफ गवाही देनी है, और ये कह देना कि विक्रम मेरे घर आकर के शराब पीता है और मेरे लड़के से दोस्ती कर ली विक्रम ने। महाराज, आपके भाई के विक्रम के और मेरे लड़के की घरवाली के नाजायज संबंध है, मुझे न्याय दीजिए। प्रेमी श्रोता, वो लाला जी झूठी गवाही दे देता है,
तो प्रेमी श्रोताओ आगे का हलवाला इस रागिणी के माध्यम से हम आपको बताते हैं। विक्रम आख्या आगे तो चला जा, अरे आख्या आगे तो चला जा, मने जहर दिखाई दे से और माँ का जाया भाई कोनिया मने गैर दिखाई दे से। विक्रम तुझे शर्म आनी चाहिए, आज माँ जैसी भाभी को तू गंदी नजर से देखता है। हाँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा छोटा भाई विक्रम ऐसा हो सकता है, ऐसा है। आज तूने इस पगड़ी को दाग लगवा दिया, मैं राजा कहलवाने के लायक नहीं छोड़ा विक्रम। पिया जी, हाँ। कत्ल करवा दीजिए। मैं तो जा रहा हूँ भाई भरतरी, लेकिन एक दिन तुम्हें अपना भाई ये विक्रम याद आएगा, क्योंकि जिस औरत के चक्कर में आज अंधे हो रहे हो, एक दिन यही औरत तुमको धोखा देगी, तुम्हें पीठ पीछे तुम्हें छुरा भोंकेगी। तेरे पास कोई भी ऐसा सबूत नहीं है, महारानी पिंगला बिल्कुल ठीक कह रही है। हाँ, महारानी पिंगला जो आप कहोगी इस विक्रम को वही सजा मिलेगी, बताओ आप। इसको कत्ल करवा दीजिए और यहाँ से भेज दीजिए। मैं तुरंत जल्लादों को आदेश देता हूँ, जाइए और इस विक्रम का कत्ल करके आइए और इसकी आंखों को निकाल कर लाइए। फिर आज का बोलिया और याद रखिए, इस विक्रम भाई का अर दुनिया में देखो देगा तने बहन लुगाई का हो बहन लुगाई का आज का बोले याद रखिए करा तेरी पिंगला रानी ने ठीक मुकदमा प्यार करा तेरी पिंगला रानी ने भाई कुछ ते कह दी नगर सेठ ने कुछ कही से ठाणी ने हाथ पकड़ के काट्या घर ते भाभी मानस खानी ने सुध आत्मा आड़े ने करया करम कसाई का
मन तोया करिए सपने में भी नागी को मन तोया करिए भाई मैं कर रहा था भीड़ महल में तू सोया करिए अपनी इज्जत गैर के हाथों धोया करिए कया करे से कटे जाटका पर सीखे नाई का दुनिया में से कटे पहल गाई का पहल गाई का छोका चाकू छुरी मार दी भारी विक्रम के गैर जात की जिम्मे ला दी अरे यारी विक्रम के गैर जात की जिम्मे ला दी यारी विक्रम के अरे सोमन पत्ती सला टेक दी भारी विक्रम के कालजे में मेरे कालजे में दरी से अरे सारी विक्रम के कालेज में लिखी दरी से सारी विक्रम के गुरु मांगे राम जमाना को न्याम मांगे राम जमाना को न्याम शर्म सच्चाई का दुनिया में ते खोलेगा मन बहम लगाई का Come on.